दोस्तों विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में दिया गया चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया रोनाल्ड रॉस रो, को 1902 ईस्वी में जिसमें तकरीबन 8.25 लाख मतलब 8 करोड़ 25 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं तो क्यों दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार ठीक ना आइए जानते हैं तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ना विश्व का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठा वाला पुरस्कार है विश्व का सबसे सम्मानित पुरस्कार जो कि स्वीडन अकेडमी द्वारा दिया जाता है ये जी, जी देखिए जो रोनाल्ड रोस्त थे ना वे मलेरिया परजीवी जो होता है आपको मलेरिया हो जाता है जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं ठीक ना उसी परजीवी की खोज की थी मलेरिया परजीवी चार प्रकार के होते हैं पीएफ पीवी पीओ और पीएम जिसमें से दो इंडिया में पाए जाते हैं पीएफ और पीवी यानी पी, पी फैल प्लाजमोडियम फैल्सिफेरम और प्लाजमोडियम भाईबैक्स ठीक ना और दो जो है ये विदेशों में पाए जाते हैं तो इन्हीं की खोज के थी किसने रोनाल्ड रोस ने रोनाल्ड रोस का तो जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन एक ब्रिटिश आदमी थे यानी अंग्रेज पहले इंडिया पे अंग्रेज का शासन चलता था इसीलिए अंग्रेज़ यहाँ पे जन्म लिए और इस धरती में इतना पावन है कि जन्म लेने के साथ ही वह क्या एक अच्छा चिकित्सक बने और नोबेल प्राइज़ भी पाएँ ठीक ना तो रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड में हुआ था अठारह ईस्वी में जब क्रांति चल रही थी हमारी अठारह की उसी वक्त उनका जन्म हुआ था अंग्रेज के वे सुपुत्र थे कुपुत्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि वे एक चिकित्सक बन गए ठीक ना तो वे इनके एक सुपुत्र थे जो मलेरिया परजीवी की खोज की मलेरिया परजीवी की खोज किस प्रकार की उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो मलेरिया है ना वो मादा और फ्रीस मच्छर के काटने से होता है तब उन्होंने क्या किया खुद को जो है मच्छरों से कटवाया ऐसे झुंड मच्छरों के झुंड में गए और खुद को मच्छरों से कटवाया ठीक ना और फिर अपना खून को लिया जब उनको खून को मच्छरों ने काट लिया तब उनके खून को मत लिए ठीक ना और मच्छरों के पेट में सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर चेक किया और इन्होंने सिद्ध किया कि मलेरिया जो परजीवी होती है वे मादा एनफ्रीस नामक मच्छर के काटने से होता है इन्हीं के लिए इन्ही चीज खोज के लिए मलेरिया परजीवी की खोज की ठीक ना रोनाल्ड रोस ने इसीलिए 1902 ईस्वी इस में इन्हें शांति के लिए सॉरी चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया उन्नीस सौ ईस्वी में ठीक ना जो कि विश्व का सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठाजनक पुरस्कार है ठीक ना नोबेल पुरस्कार इसमें काफ़ी रुपये मिलते हैं काफ़ी इज्जत मान सम्मान मिलता है बहुत बड़े बड़े लोगों का ख्वाब होता है कि नोबेल पुरस्कार ले जा रहे तो वे लिए इस ठीक ना तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बस इतनी जानकारी अब जानते हैं कि मलेरिया फैलता कैसे है तो मलेरिया मादा एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने से फैलता है और ये मादा एनोफिलिस नामक मच्छर कहाँ पनपती है तो ये जहाँ पे मिट्टी जहाँ पे पानी जिस पानी में जम गया ज़्यादा देर तक रह गया जैसे यहाँ पर भी खेत का पानी है यहाँ पर अगर ज़्यादा देर तक हो गया पानी जमे हुए ठीक ना टायर में बसा पानी या घर के टंकी में कहीं पर भी पानी ज़्यादा देर तक रह गया तो उसमें मादा एन नामक मच्छर पैदा हो जाती है ठीक ना इसी मच्छर के काटने से आपको कह के नहीं काटेगा कि मैं काटने जा रहा हूँ आप चेत जाइए ठीक ना वो काटेगा और आपको मलेरिया का हो जाएगा पी या पी मलेरिया परजीवी आपको पकड़ लेगा तो इससे बचने का साथ सिंपल तरीका है कि आप अपने घर में पानी को जमने ना दें ठीक ना और दूसरा तरह का यह है कि अगर पानी जमता है किसी कारणवश तो उसमें कीरोसिन या मिट्टी का तेल जो आप बोलते हैं उसमें थोड़ा सा डाल दें ताकि उसके ऊपर लेयर आ जाएगा और जब लेयर आ जाएगा तो म, मच्छर के जितने भी पनपते हैं वे सारे मर जाएंगे तो इस प्रकार आप अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं और अगर आपके सड़क पे नदी नाले पर सॉरी सड़क पर जो पानी आता है ठीक ना किसी चापाकल या फिर कुएं से जहाँ से आप पीते या बोरिंग से तो वो सड़क में बहता है पानी तो उसे कंप्लेन कीजिए पंचायत को कंप्लेन कीजिए पंचायत नहीं सुनता है तो रिटर्न में कंप्लेन कीजिए थाने में ठीक ना और उनको रिटर्न जवाब मांगिएगा क्योंकि इसी तरह समाज चलेगा आजकल मुर्दे लाश चलते हैं यहाँ पे आजकल आपके शायद पंचायत में कोई बात ना सुने ठीक ना तो इस प्रकार आप अपने घर को अपने गाँव परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ